बहुत अच्छी लगी है, उन दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा लगता है। लड़ना नहीं आता मुझे, सिर्फ जंग लड़नी आती है। बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा, बहुत ही ज़्यादा क्लीशे। बहुत अच्छी लगी फिल्म में जो तमन्ना भाटिया का काम है, बहुत थोड़ा सा है लेकिन वो एक बहुत बहुत अच्छी लगी है, उन दोनों का पेयर भी बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आगे वो दोनों एक साथ और कंटिन्यू करें। शर्वरी ने तो बिल्कुल चौंका दिया, उसने अपने मेकअप पे ध्यान नहीं दिया, अपनी जो बॉडी है फिगर उसका इतना अच्छा है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि सच में जैसे कोई टीनेजर हमारे सामने खड़ी है और फाइटर टीनेजर। तो शर्वरी का काम बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा चौंकाया जिनका नॉमिनेशन होना चाहिए बेस्ट विलन का, वो है अभिषेक बनर्जी। गजब का काम किया, इतना छोटा सा लड़का जिसको हमने कॉमेडी में ही अब तक देखा है, स्त्री वन स्त्री टू में भी वैसे ही है, भेड़िया में भी लल्लू सा बना है, इसमें इतना बड़ा बन गया वो कि उसने आशीष विद्यार्थी को भी पीछे छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। लंबे अरसे से जो जॉन अब्राहम के फैंस हैं उनको उनकी फिल्मों का इंतज़ार था, लीड रोल में है जॉन और भरपूर फुल एंड फुल एक्शन फिल्म है। जॉन इस फिल्म में एक मिलिट्री मैन एक सोल्जर की भूमिका में होते हैं। ये फिल्म वेदा जो एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म है, पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है। ये कहानी एक दलित महिला की है, ये कहानी एक दलित महिला के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है, उसके परिवार के साथ हुए नाइंसाफ़ी की है। फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही स्ट्रांग है, जो छूत अछूत चला करता था हमारे समाज में हमारे देश में, भले आज ना होगा लेकिन छूत अछूत के कारण उनके साथ किस तरह से भेदभाव होता था इस फिल्म में दर्शाया गया। ये पूरी तरह से सर्वरी की फिल्म है ये मैं कहूँगा। मैं बहुत देर बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी मूवी है। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद पठान के बाद अभी जॉन सर को देखने का मौका मिला हम लोगों को, तो हम लोगों ने देखा है कि जॉन सर की मूवी फाइटिंग मूवी है और फाइटिंग सीन बहुत ही अच्छे रहते हैं मूवी में। जॉन सर की वन साइडेड वो अपनी मूवी को लेके चलते आगे तक, लास्ट तक लेके गए। तो शर्वरी का भी बहुत ही अच्छा काम है, सभी का अच्छा काम लगा है मुझे मूवी में। अभिषेक बनर्जी भी है, तमन्ना भी है और शर्वरी को हमने मुंजिया में देखा, उनका एक अलग कैरेक्टर था, ये अलग कैरेक्टर है। तो कैसा कुछ लगा, क्या कुछ लगा? काफ़ी अच्छा लगा, कुछ अलग देखने को मिला। और अभिषेक जी तो कॉमेडियन एक्टर है, उनका एक ये विलन वाले अवतार में एक अलग ही वो लगा है कि बहुत ही अच्छा लगा है उस लुक में मुझे उनको देख के। डायरेक्शन की बात करें या फिर डायलॉग की बात करें, तो डायलॉग जो कि मेन होता है, अहम होता है किसी मूवी का, तो वो कैसा लगा? डायलॉग डिलीवरी भी अच्छे थे। मतलब डायलॉग कुछ ऐसे मोमेंट्स आप शेयर करना चाहोगे आपको जो मूवी का बेस्ट पार्ट लगा? जॉन सर का ही एक डायलॉग है, लड़ना नहीं आता मुझे सिर्फ जंग लड़नी आती है, वाला डायलॉग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और भी काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं, डायलॉग अच्छे थे, कोई ऐसा वो नहीं था। 5 में से कितना स्टार? मैं 5 में से 5 रेटिंग देना चाहता हूँ उसको। 5 में से 5? जी जी, बहुत ही अच्छी मूवी लगी है मुझे तो। जॉन अब्राहम इज लवली व्हेन इट कम्स टू एक्शन, यू नो आई पर्सनली फील दैट देयर आर वेरी फ्यू एक्टर्स हु कैन एक्चुअली रेप्लिकेट हिम और इवन यू नो थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट इज इवन नियर टू व्हाट ही इज डन। सो यू नो आई वुड से दैट वेरी फ्यू एक्शन स्टार्स कैन एक्चुअली एस्टैब्लिश व्हाट ही हैज एस्टैब्लिश्ड एज़ फार एज़ यू नो द बॉलीवुड इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड। सो इट्स अ बिग थिंग आई'ड से। साथ ही एक न्यू केमिस्ट्री उभर कर सामने आई है जॉन अब्राहम और शर्वरी, तो आपको वो केमिस्ट्री कैसी लगी शर्वरी? नहीं, जॉन अब्राहम और शर्वरी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, इट्स बिकॉज तमन्ना और उनके साथ पेयरिंग था और इनका तो मतलब वो कोच और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जैसे बताया है, बिकॉज ही इज़ मोस्टली टेकिंग केयर ऑफ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद हर कैरेक्टर। नहीं नहीं, उनके साथ मुझे क्या, मुझे तो बिल्कुल उन दोनों का पेयरिंग के हिसाब से लगा नहीं। सो मैं तो बिल्कुल भी डिसअग्री करूँगा इस बात पर। और मेरे हिसाब से द फिल्म वॉज, आई मीन जॉन वॉज ऑल प्रोवाइडिंग इन द फिल्म। जॉन के हिसाब से मतलब मेरे हिसाब से his action, his histrionics, his physicality was all pervading in the film. तो पहले फ्रेम से लेके आखिरी फ्रेम तक वही वो थे। हालांकि शर्वरी की कैरेक्टर के नाम के ऊपर फिल्म का नाम रखा गया है और उस पर कभी कोई बात हुआ नहीं है। दैट्स अ बिग थिंग, आई डोंट नो वाई इट वॉज डन, इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन बाय द मेकर्स, बट देन आई डोंट नो वाई इट वॉज डन बिकॉज इट वॉज जस्टिफाइबल टू मी पर्सनली। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो राइटअप और डायरेक्शन कैसा लगा? बहुत ही ज़्यादा घिसा बेटा, बहुत ही ज़्यादा क्लीशेड। द मिलियू ऑफ द फिल्म, जहाँ पर वो फिल्म बेस्ड है, इन राजस्थान बाड़मेर और एनीवेयर एल्स फॉर दैट मैटर,
I am an urban guy, so I cannot really relate myself, or cannot really, it's, the film is not relatable to me.